वहीं बात फरीदाबाद की, फरीदाबाद में संदेशात्मक तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाईपास से गुजरने वाले मजदूरों की मदद वे लोग कर रहे हैं जिसके खुद रहने का ठिकाना नहीं है। बाईपास पर झुग्गी डालकर रह रहे लोगों ने बड़ा दिल करते हुए सड़क पर चूल्हा जला दिया है और लॉकडाउन के समय दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को जाने वाले लोगों के लिए दर्जनों महिलाएं पूड़ी और सब्जी बना रही हैं। संकट की घड़ी में इस वक्त फरीदाबाद के अंदर हर वर्ग के लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं और सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को खाने पीने की पूरी सुविधा दी जा रही है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके कदम लड़खड़ाए ना। महिलाओं का कहना है कि वह राहगीरों के लिए पूरी सब्जी बना रही हैं और गरम गरम खाना दूर दराज जाने वाले लोगों को परोसा जा रहा है। कल्पू लगाया तब से बंद था जी। आज मैं सोची मैं कि थोड़ा भंडारा कर दें गरीब आदमियों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए हमने सब्जी पूरी लागू किया। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए है? हाँ। तो मतलब कितने भी लोग जाएं कोई संख्या नहीं, सबके लिए खाना मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा सबके लिए जी, शाम तक चलेगा।